हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फूडी मूडी। मैं हूं परी और आज की रेसिपी पनीर पराठा। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इन सारी चीज़ों को ले लिया है पनीर पराठा बनाने के लिए। तो ये मैंने प्याज कट करके ले लिया है, बारीक कट किया है, और ये लहसुन लिया है, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। मिर्ची लिया है, मिर्ची मैंने दो लिया है, इसे बारीक कट कर लिया है। अदरक लिया है, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है, और ये अजवाइन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बाउल में प्याज को डालूँगी। प्याज मैंने यहाँ पे एक लिया है मीडियम साइज़ का, इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बारीक कट कर लिया है। और ये मैंने अदरक छोटा पीस लिया है, जो हमने बारीक कट कर लिया था वो उसे मैं डालूँगी। और यहाँ पे हरी मिर्च, ये मैंने दो ले लिया। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लें, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्च थोड़ा बहुत बढ़ा लें। ये मैंने अजवाइन डाला है और लहसुन डाला है। लहसुन मैंने 5-6 कलियाँ लिया है, उन्हें बहुत छोटे पीस में बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और ये 1 चम्मच के बराबर यहाँ पर मैंने चाट मसाला ली। और हमने यहाँ पे अमूल का पनीर लिया है, और इसे भी अब हम इसमें डाल लेते हैं। पनीर को अच्छे से ओपन करके इसे पहले हम चाकू से पीसेस में कट कर लेंगे, और फिर इसमें हम अच्छे से डालेंगे, उसके बाद हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से पनीर को दबाते हुए हम हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाट मसाला डालने से पनीर का जो टेस्ट आता है ना, पनीर पराठा में जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आता है। तो ज़रूर चाट मसाला पनीर पराठा जब भी बनाएं, चाट मसाला ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हम मसलते हुए इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। और देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छे से हमने सब कुछ मिला लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे छलनी ले लिया है, और उसमें हमने आटा डाला है। आटा हमें 2 मीडियम साइज़ के बाउल के बराबर लेना है। तो देखिए, हमने आटा ले लिया है, और इसे चलिए अब छान लेते हैं। तो इसे अच्छे से हम छान लेंगे। रोटी जब भी बनाएं तो आटा को एक बार ज़रूर छान लें। इससे क्या होता है ना, रोटी हमारी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए, आटा में मैं कुछ भी नहीं मिलाऊंगी, जैसे बहुत से लोग ऑयल मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं मिला रही हूँ। सिंपल बस मैं डो बना लूँगी, और उसी से मैं आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा पराठा बना के दिखाऊँगी। तो आटे में हमें कुछ भी नहीं मिलाना है, मैं कुछ भी नहीं मिलाती हूँ, मैं सिंपल आटा को अच्छे से गूँथ लेती हूँ। तो जो भी होता है, आटा को बहुत बढ़िया सॉफ्ट आप गूँथ लें, बस इससे ही आपका जो रोटी होता है ना, वो आटा पे ही डिपेंड होता है कि आपने आटा कितने अच्छे से इसे लगाया है। तो देखिए, मैंने आटा अच्छे से गूँथ लिया, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी हमारी रोटी और पराठा जो है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सा बनने वाला है। तो चलिए यहाँ पर पराठा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर छोटा सा कट करके लोई ले लिया है। अब लोई को हम अच्छे से सूखे हुए आटे में लगा लेंगे, और अपने फिंगर से इसे घुमाते हुए इसका छोटी सी कटोरी की तरह बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से बना लेंगे। स्टफिंग, जो पनीर स्टफिंग है ना, उसमें इसमें हम स्टफिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें इसमें स्टफिंग कर लेना है, और फिंगर से दबाते हुए हम इसे दोनों साइड से अच्छे से घुमाते हुए दबा लेंगे फिंगर से, और आप पंजे से इसे बंद कर लेंगे दबाते हुए। अब इसमें सूखा आटा लगा लेंगे, और हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। तो इसे आपको छूने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बेलते जाएंगे, धीरे धीरे ये घूमता जाएगा। तो देखिए, कितने अच्छे से ये पराठा बनना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है पराठा बनाना। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन के रेडी हो गया। साइज़ जितना बड़ा आप रखना चाहे, आप अपने मन मुताबिक साइज़ दे सकते हैं।
पराठे बना सकते हैं, हम बड़ा पराठा बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस सेम प्रोसेस के साथ में हम दूसरा पराठा भी बना लेंगे। तो एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने इसमें सूखा आटा लगा लिया है और अपने फिंगर से इसे कटोरी की तरह बना लिया है। अब इसमें हम चम्मच से स्टफिंग कर लेंगे, आप चाहे तो हाथ से भी इसमें स्टफिंग कर सकते हैं। अब अपने हाथों से दबाते हुए आप इतना ही स्टफिंग करें कि जो अच्छे से इसको आप बंद कर सके और ये पराठा खुले ना तावा पर, इसलिए इतना ही आप अपने हिसाब से इसमें स्टफिंग करें। और इसमें सूखा आटा फिर से हम एक बार लगा लेंगे और धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे हम रोटी की तरह बना लेंगे। तो देखिए आप जब रोटी की तरह इसे बेलते जाएंगे ना, खुद ब खुद घूमता जाएगा और अपने आप ये पराठा बनता जाएगा। तो देखिए एक पराठा और मेरा बन गया और जो साथ में तावे पे हमने पराठा रखा है सेकने के लिए, उसमें आप अपने मन मुताबिक घी तेल जो भी आपको आप बना सकते हैं। अगर आप ना है कम घी लगाना है तो आप थोड़े थोड़े घी लगाते हुए भी इसे बना सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से घी लगाने हैं तो आप अच्छे से घी लगाइए। तो आप किसी तरीके से इसे पराठे को बना के खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े से ऑयल लगाऊंगी और इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको बना के दिखाती हूँ। तो इसे चारों तरफ से एक इसे चिमटे के सहारे से दबाते हुए आप इसे अच्छे से सेक लें। तो देख सकते हैं आप एक पराठा मेरा बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब दूसरा पराठा भी इसी तरीके से सेक लेते हैं। सेम प्रोसेस के साथ तीसरा पराठा भी हम बना लेंगे। तो देखिए मैं अब हाथों से स्टफिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम फिंगर से इसे दबाते हुए इसे चारों तरफ से घुमाते हुए बंद कर लेंगे। और जो तावा पे पराठा है हमें उसे भी ध्यान देते रहना है, नहीं तो वो जलने लग जाएगा। तो देखिए तावा पे जो पराठा है उसे मैंने पलट कर लिया है और अब जो मैं तीसरा पराठा बना रही हूँ उसी तरीके से घुमाते हुए इसे बेल लेंगे, रोटी की तरह बना लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये पराठा बन के मेरा रेडी हो गया। पराठों को सेकने के लिए अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हो चिमटे से, तो आप स्पैचुला से दबाते हुए इसे अच्छे से सेक सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी बन के रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे पराठे को एक एक करके बना लेंगे। इस पराठे को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, रायता के साथ खा सकते हैं, कोई भी आप वेजिटेबल बना लें आप उसके साथ खा सकते हैं, रसेदार कोई भी सब्ज़ी बनाकर आप इसके साथ खा सकते हैं। ये पराठा बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खाएंगे तो ये पराठा बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो अब मैं आपको इस तरीके से बनाना सिखाती हूँ। तो आप क्या करें, इसे पहले पूरी की तरह बना लें और साइड साइड में एक एक उठाते हुए हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है ये पराठा को बनाने में। तो इस तरीके से आप इसके मुंह को अच्छे से दबाते हुए बंद कर लें, इसमें एक सूखा आटा लगा लें और इसे हल्के हाथों से बेल लें, रोटी की तरह बना लें। तो देखिए इस तरीके से भी आप बहुत इजी तरीके से इसे पराठे को बना सकेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप बना के भी खा सकते हैं। ये भी अगर आपको उस तरीके से बनाने में, इसको फोल्ड करने में, बंद करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप इस तरीके से भी एक एक उठाते हुए इसको अच्छे से बंद कर सकते हैं और हल्के हाथों से चलाते हुए इसे रोटी की तरह बना लें। तो देखिए पनीर पराठा मेरा बन गया और यहाँ पे मैं जो तावा पे मैं पराठा सेक रही हूँ, तो इसमें हल्का हल्का सा घी लगाते हुए दोनों साइड में हम इसे सेक लेंगे, रेड कलर होने तक इसे बना लेंगे। तो देखिए ये पराठा मेरा बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गया, दोनों साइड मैंने इसे सेक लिया। तो देखिए ये मेरा पराठा यहाँ पे बन के रेडी हो गया है।
तो आप इस पराठे को किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते। तो प्लीज़ आप ही ये पराठा बनाएं, खुद भी खाएं, फैमिली को खिलाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।